हाल दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए आज के एक्टिव काउंटर्स पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग के चीफ टेक्निकल एंड डेरिवेटिव एनालिस्ट समीत चौहान जुड़ रहे हैं। समीत, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले निफ्टी पर कॉल, ऐसा लग रहा है कि आज के दिन में 10,500 तो होल्ड होगा, क्या करना चाहिए? देखिए, लास्ट एक डेढ़ वीक से हमने देखा है कि यू नो मार्केट में एक कंसोलिडेशन देख रहा है, जहाँ पे निफ्टी अगर बात करें तो 60-70 पॉइंट्स के दायरे में ही घूम रहा है। यहाँ पे हमें लगता है कि इंडेक्स में आपको कुछ ज़्यादा ट्रेड नहीं मिलेगा, और आपने लास्ट वीक भी देखा है कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छा खासा ट्रैक्शन था, तो वो कंटिन्यू रहेगा। निफ्टी की अगर लेवल्स वाइज बात करें तो 10,460 और 10,425 ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट स्तर बन गए। जब तक अभी निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन रहता है तब तक पॉजिटिव बायस ही ट्रेड होगा। अगर किसी के लॉन्ग्स होल्ड है लोअर लेवल्स पे लिए हुए, तो हमें लगता है कि 10,425 का यहाँ पे अभी स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। उसके नीचे हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हावी होते हुए देख सकते हैं। तब तक 10,425-10,460 ये सपोर्ट्स एक्ट होंगे, और ऊपर की तरफ 10,550 से लेकर 10,575 का रेजिस्टेंस जोन होगा। ओके, सो 550-75 के आसपास एक रेजिस्टेंस देख रहे हैं, लेकिन नीचे में अगर लॉन्ग पोजीशन है तो फिर 425 से लेकर 60 के आसपास आप यहां पर एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 425 का स्टॉप लॉस रिकमेंड कर रहे हैं समय, तुम्हें लगता है अगर ये लेवल टूटता है तो फिर मुनाफा वसूली काफ़ी तेज़ी से आ सकती है, या फिर प्रेशर जो है, दबाव जो है, वो काफ़ी तेज़ी से आ सकता है। समेत कुछ एक एक्टिव काउंटर्स की चर्चा करते हैं। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस निफ्टी का टॉप गेनर है, अच्छी बढ़त है, इनफैक्ट इस वक्त करीब करीब 3.5% ऊपर है, क्या करना चाहिए? देखिए, रिसेंटली हमने ये स्टॉक में कंसोलिडेशन देखा था। स्टॉक के एक नैरो रेंज में ट्रेड हो रहा था, जहाँ पे यू नो 1200-1205 का एक रेजिस्टेंस बन गया था, और लो साइड पे 1160-70 जब भी आता था वहाँ से हम बाइंग इंटरेस्ट देख रहे थे। स्टॉक एक कंजेशन जोन से बाहर आया आज, और अगर वॉल्यूम एक्टिविटी देखें तो वो भी यू नो अच्छी खासी बढ़ चुकी है, तो वो इंडिकेट करती है कि ये स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट वापस आ रहा है, और उसके चलते हमें लगता है कि ये स्टॉक में ऊपर के लेवल और भी कंटिन्यू हो सकते हैं। यहाँ पे कोई भी माइनर डिप्स आती है तो वहाँ पे खरीदारी की जा सकती है स्टॉक में। हमारा मानना है कि 1280-1290 तक ये रैली एक्सटेंड होगी, 1190 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी की जा सकती है। ओके, दो स्टॉक्स गैलेंट इस्पात और गैलेंट मेटल, इन पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये क्लेम किया है कि स्टॉक एक्सचेंजेस ने उन्हें शेल कंपनीज उन्होंने जो शेल कंपनीज घोषित होने के अगेंस्ट अर्जी दी थी वो मान ली है, और इसी की वजह से जो उनके ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आज से ख़त्म हो रहे हैं। दोनों ही स्टॉक में 20% का मूव दिखाई दे रहा है, क्या आपका कोई व्यू है समेत इन दोनों स्टॉक्स पर? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुद्दा ये स्टॉक्स हम ट्रैक नहीं करते, क्योंकि अगर ओवरऑल वॉल्यूम एक्टिविटी देखें वो काफ़ी लो साइड पर रहती है, और जिस तरीके से हमने रीसेंट इसकी प्राइस एक्शन देखी है इसके चलते हम हमारे क्लाइंट्स को भी ये स्टॉक्स रेकमेंड नहीं करते, क्योंकि ये सर्किट टू सर्किट मूव होने लगा है। यस, आज उसके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, इसलिए इसने अपर सर्किट हिट किया हुआ है, बट हमें लगता है कि ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए। ओके, फीनिक्स मिल्स की बात करते हैं। ग्रेसवर्क रियल्टी एंड लेजर प्राइवेट लिमिटेड, ये एक इनकी एक सब्सिडरी है जिसमें इन्होंने 26% हिस्सेदारी खरीद ली है, माफ कीजिएगा 22.67% हिस्सेदारी खरीद ली है। फीनिक्स मिल्स फोकस में है, वैसे भी आज रियल्टी स्पेस में एक्शन दिखाई दे रहा है, फीनिक्स मिल्स पर क्या राय है? देखिए, ये स्टॉक एक स्टेडी मूवर रहा है लास्ट, अगर हम समित से संपर्क टूट गया है, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच एक बार बाजार पर वापस से नजर डालते हैं। वहां पर हम देख रहे हैं करीब 10 पॉइंट्स की गिरावट है सेंसेक्स में, निफ्टी में करीब 6 पॉइंट्स की गिरावट के साथ ट्रेड होता हुआ 10,522 के आसपास फिलहाल निफ्टी दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ समीत जुड़ेंगे वापस से, उनसे समझेंगे कि क्या करना चाहिए, और साथ ही हमारे साथ ब्रेक के बाद वरुण दुबे भी होंगे। वरुण हमें बताएंगे ब्रोकर्स पोल पर क्या है उनके पास नतीजे, जानेंगे आगे है। हमारे साथ समित जुड़े हुए हैं, समित से एक आध स्टॉक्स पर बात करते हैं, HDFC स्टैंडर्ड लाइफ पर फोकस करेंगे। समित, CLSA ने इन्होंने कवरेज स्टैंडर्ड लाइफ पर कवरेज इनिशिएट की है, उन्हें लगता है बाय करके चला चाहिए, 455 का टारगेट देख रहे हैं वो, आपकी क्या राय होगी?
देखिए न्यूली लिस्टेड स्टॉक है तो इसका ज़्यादा हिस्टोरिकल डेटा नहीं है आपको टेक्निकली एनालाइज करने के लिए, बट रीसेंट प्राइस एक्शन देखिए तो स्टॉक ने एक अपमूव के बाद एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन देखा था, और वो कंसोलिडेशन से भी ये देख रहे हैं कि ये स्टॉक बाहर आ रहा है। तो लास्ट 3 दिनों में हम अच्छा खासा ये स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट पिकअप होते हुए देख रहे हैं, तो उसके चलते एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में ज़्यादा एग्रेसिव लेवल्स नहीं दे सकते, बट एटलीस्ट 415-420 तक ये स्टॉक इसकी जो अपवर्ड ट्रैजेक्टरी है वो कंटिन्यू रख सकता है। ऑल राइट, जयप्रकाश एसोसिएट, जेपी पावर, जेपी इंफ्रा, ये पूरा ग्रुप फोकस में है लेकिन प्रेशर में दिखाई दे रहा है। क्या करना चाहिए इन स्टॉक्स में? जेपी इंफ्रा, एक खबर आई है वो भी बता देती हूँ। राम बहादुर सिंह जो उनके सीएफओ हैं, उनको जेपी इंफ्रा के लिए भी अपॉइंटमेंट के लिए भी नॉड मिल चुकी है। क्या करना चाहिए इन स्टॉक्स में, इन ग्रुप स्टॉक्स में? जेपी इंफ्रा का जो एनसीएलटी का की हियरिंग है वो 5 जनवरी को है, तो वहां एक बड़ा फैसला एक्सपेक्टेड है, क्या करना चाहिए उसके पहले? देखिए मुक्ता, ओवरऑल अगर इनका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो उतना कुछ एनकरेजिंग नहीं रहा है। लास्ट कुछ सालों से ये स्टॉक्स लगाड़ रहे हैं तो उसके चलते कन्विक्शन नहीं आता ये स्टॉक्स को रेकमेंड करने के लिए, बट अगर कोई शॉर्ट टर्म नज़रिए से ये स्टॉक्स को देखता है और लोअर लेवल्स में इनके अगर खरीदारी की जा चुकी है तो मेरे ख्याल से जेपी इंफ्रा की बात करें तो इसमें पॉजिटिव ट्रैक्शन और कंटिन्यू रहेगा, तो आप एटलीस्ट आपके एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स होल्ड कर सकते हो यहाँ पे 23-23.5 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके, और 26-27 तक ये स्टॉक इसकी अपवर्ड रैली कंटिन्यू रख सकता है। थैंक यू सो मच समित, इसी के साथ लेंगे आपसे इजाजत। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन लेकर आएंगे।